आग की वजह से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत। गाजियाबाद के प्रताप विहार केलाखेड़ा के नज़दीक 10 मंजिला जीडीए द्वारा बनाए गए फ्लैट में जीडीए के कर्मचारी बच्चू सिंह उम्र 50 वर्ष, रानी 47 वर्ष, नारायण सिंह 35 वर्ष निवासी बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो यहां 5 महीने से रह रहे थे। अचानक से लगी आग में अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन वह आला अधिकारी पहुंचे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और जब तक लोग वहां पहुंचे, वहां तीनों पति पत्नी और उसका भाई मृत अवस्था में पड़े थे। जांच में अभी तक शॉर्ट सर्किट का ही मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मृतक के कमरे से कुछ शराब की बोतल भी मिली है और बिजली हीटर भी मिला है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि पहले तीनों मृतक करंट की चपेट में आए हों, उसके बाद घर में आग लगी हो। एक ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जीडीए का एक फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसी में फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे तीन लोग और दो सगे भाई थे, एक उनकी पत्नी थी। तो प्रथम दृष्टि अभी देखने से लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और तीनों दर्दनाक मौत हुई है। डेड बॉडी को पश्चाताप पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है मर्चरी, और फील्ड यूनिट की टीम बुला लिया गया है। आग बुझ गई है और हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, किसी ठेकेदार के मजदूर पे या काम कर अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं ये लोग कौन से कहां से थे। अभी हम लोग उनकी पहचान तो हो गई है सबकी और डिटेल में उनके बारे में हम लोग पता लगा। आग लगने का कारण पता लगा सर अभी तक? मैंने बताया आपको कि अभी हम टेक्निकल टीम हमारी आ रही है और जाँच कर रहे हैं।